सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को भिजवाए गए खतूत की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। सीटीडी को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक खत से मिलने वाले पाउडर में 10% आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। आर्सेनिक एक जहरीला मवाद है। पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज्यादा मकदार बहुत जहरीली होती है। मजीद बात करेंगे, अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताएगा क्या तफसीलात हैं इस तफ्तीश की रिपोर्ट में, क्या इंकशाफात सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को जो खतूत मिले थे और उनमें जो सफेद पाउडर पाया गया था उसको सीटीडी ने भेजा था और जो तलका हुकाम थे पुलिस के उन्होंने पंजाब फॉरेंसिक लैब में भेजा था। तो पंजाब फॉरेंसिक लैब ने जो रिपोर्ट दी है वापस सीटीडी को, उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि इसमें एंथ्राक्स तो नहीं थी। जो आलमी तौर पर मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाकयात में एंथ्राक्स यूज हुई है 9/11 के बाद भी, वो इस तरह एंथ्राक्स तो नहीं थी, अलबत्ता उसमें आर्सेनिक था और आर्सेनिक जो है उसकी 10% मकदार इस पाउडर में पाई गई है। अगर ये 70% या उससे जायद हो तो फिर ये ज्यादा खतरनाक होती है। सूंघने से कोई भी इंसान जो है उसका दिमाग छल हो सकता है और उसको नुकसान हो सकता है। तो इस तरह ये 10% है, तो इस लिहाज से ये एक तरह से खतरनाक मटीरियल तो है, लेकिन उतना खतरनाक मटीरियल नहीं है जितना 70% अगर होता तो उस सिचुएशन में ये सामने आया है। तो अब जो है जो जहाँ से ये पोस्ट किया गया था यानी पिंडी के सैटेलाइट टाउन के एरिया जो है वहाँ की सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी हासिल कर ली गई है और मशकूक अफराद जो है उनको तलाश करने की सीसीटीवी फुटेज की मदद से कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।